वेलकम वेलकम वेलकम, मैं हूं कुमार निशांत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट वाला शो जी सिल्वर स्क्रीन। एग्जैक्टली, और अब बात करते हैं कूल डूड शाहिद कपूर के। जी हाँ, बॉलीवुड मतलब बी टाउन के ये बिल्कुल कूल बॉलीवुड स्टार है। और अब शाहिद कपूर के लिए हवा में उड़ना पड़ गया है महंगा, बिकॉज अपकमिंग मूवी जिसके लिए शूट कर रहे हैं मौसम नाम है, पप्पा भी है इसमें और साथ में साथ प्रोड्यूसर इनसे कुछ ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि मूवी के शूट के लिए इनको कई बार F-16 प्लेन में सफ़र करना पड़ रहा है, मतलब फ्लाइट में घूम रहे हैं। और साथ ही साथ फिल्म के रिलीजिंग डेट से पहले ही फिल्म के कई लोग जो हैं जो उसमें स्टार कास्ट कर रहे थे उन्होंने फिल्म को बीच मझधार में ही छोड़ दिया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पूरी स्टोरी खास आपके लिए, सो जस्ट हैव अ लुक। शाहिद कपूर का हवा में उड़ने का ये शौक उनकी फिल्म मौसम पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। शाहिद ने F-16 में ये उड़ान इसलिए भरी थी क्योंकि ये फिल्म में उनके रोल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो शाहिद कपूर का हवा में उड़ने का ये शौक उनकी फिल्म के स्टाफ पर भारी पड़ गया है। खबर है कि शाहिद कपूर को फिल्म मौसम के शूट के लिए जब भी मुंबई से बाहर जाना होता है वो चार्टर्ड प्लेन में सफर करते हैं। उनके साथ होती हैं फिल्म की प्रोड्यूसर शीतल तलवार भी। सोर्सेस के मुताबिक मौसम के सेट पर काम करने वाले स्टाफ को उनका पैसा अब तक नहीं मिला और इसी वजह से कई लोग फिल्म को बीच में ही छोड़कर जा चुके हैं। Arrangements for that kind of shoot time for ourselves. और लोग बातें कर रहे हैं कि शाहिद और उनके प्रोड्यूसर के पास हर बार चार्टर प्लेन में उड़ने का तो पैसा है लेकिन सेट पर काम करने वाले स्टाफ को पैसे देने का नहीं। Me and my father, I don't really think I need to say anything about. शाहिद की फिल्म मौसम शूटिंग शुरू होने से पहले ही चर्चा में रही है, कभी शाहिद के लुक को लेकर तो कभी उनके फिल्म की हीरोइन सोनम को सेट पर नहीं लेने की बात को लेकर। And Sonam is a very beautiful part of this film. I can't really clarify what she said or did not say. But it's all good and it's all going very well. लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब सेट पर से स्टाफ से छोड़ के जाने की बात सामने आई है और वो भी प्रोड्यूसर से पैसा ना मिलने को लेकर। हालांकि मीडिया ने प्रोड्यूसर से पैसे ना दिए जाने की खबर पर प्रोड्यूसर शीतल तलवार से बात की लेकिन उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह शाहिद F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ उनको अपने स्टाफ को खुश रखने की भी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, नहीं तो उनके मौसम के सेट पर उनके मौसम बिगड़ने की खबरें आती रहेंगी। तो बस वही तो मेरी समझदारी। और अब बॉलीवुड में कोई ऑटो वाला आ गया। एक्चुअली क्या है जी कि अब आपको हम मिलाने वाले हैं बॉलीवुड के एक नए ऑटो ड्राइवर से। जी हाँ, और यकीन मानिए जी करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ तो यकीन तो करना पड़ेगा। अब यकीन करने वाली बात यह है कि इस ऑटो ड्राइवर को देखने के बाद आप यकीनन उछल जाएंगे। अरे अरे अरे, थोड़ा ध्यान से चलिए, थोड़ा साइड दीजिए क्योंकि देखिए तो जरा शान की सवारी को लेकर कौन आ गए हैं। जी हाँ, सलमान खान अपनी गाड़ी में कुछ यही कहकर बुला रहे होंगे। ऑटो चलाते हुए कुछ यही सलमान गुनगुना रहे होंगे। अब हमें ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि सलमान ऑटो चलाते हुए कैसे और किसके लिए गीत गुनगुना रहे होंगे। बिल्कुल सही समझे आप, कटरीना कैफ। सलमान ऑटो लेकर कटरीना को खोजने तो निकल पड़े हैं लेकिन शायद भूल गए हैं कि कटरीना को रेड ऑडी में घूमने का ज्यादा शौक है ना कि ऑटो का। लेकिन कोई बात नहीं सलमान, आप तो फिर भी गुनगुनाते रहिए। और अब बात करते हैं एक बार दोबारा से शाहिद कपूर की। अब आपको बता दें कि शाहिद कपूर जो है उन्होंने अब पब्लिकली ये कह दिया है कि वो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हैं। लेकिन किसके लिए? जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा के लिए तो नहीं, लेकिन कोई और है जिसके लिए कहा है शाहिद ने कि वो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हैं। अब वो कौन है? हैव अ लुक। Hmm.
शाहिद कपूर को पता चल गया है कि किस लड़की के लिए वो है परफेक्ट चॉइस। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लड़की प्रियंका चोपड़ा है तो बिल्कुल गलत हैं आप, क्योंकि ये है जिनेलिया डिसूजा। जी हां, चौकी मत, खुद शाहिद कपूर के मुंह से सुनिए कितने कॉन्फिडेंट है वो जिनेलिया को लेकर। जिनेलिया एंड मी नो ईच अदर फॉर अ व्हाइल, आई थिंक वी हैव ग्रेट केमिस्ट्री। तो क्या शाहिद को जिनेलिया को पटाने में काफी पापड़ बेलने पड़े? आखिर उनका नाम प्रियंका चोपड़ा से भी तो हर बार जुड़ता रहा है, तो यकीनन पटाना बहुत मुश्किल रहा होगा। जेनेलिया जो है उनको किसी के पटाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक शी कैन चूज फॉर हरसेल्फ। वही जेनेलिया भी अपने सो कॉल्ड स्वयंवर को लेकर काफी एक्साइटेड है। सब लोग अच्छे हैं। इससे पहले कि आप शाहिद और जिनेलिया के इस लिंकअप को सीरियसली लेने लगे, हम आपको बता दें कि ये लिंकअप का खेल क्यों हो रहा है। ये सब हो रहा है एक कमर्शियल के लिए। इस टूथपेस्ट कमर्शियल में शाहिद और जिनेलिया चीयरलीडर्स बनकर क्रिकेटर जहीर, गंभीर और सहवाग के साथ हैं, और इसके लिए खेला गया बातों बातों में जिनेलिया के स्वयंवर का खेल। और अब इस एपिसोड में टाइम हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ वी विल बी राइट बैक। हम जल्द लौटेंगे और आपको बताएंगे बी टाउन की और भी गर्म और यू नो गॉर्जियस खबरों के बारे में, लेकिन उसके लिए बन रहना होगा आपको और बन रही हमारे साथ, देखते रहिए देश लाइव पर आपका फेवरेट शो सिल्वर स्क्रीन।